हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह आप पटियाला सलवार सिल सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था 2.5 मीटर फैब्रिक में आप किस तरह पटियाला सलवार की कटिंग और मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह इस कटे हुए फैब्रिक को हम सिलेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीन पीसेस को जोड़ेंगे यहाँ से स्टिच देके। तो तीनों पैनल्स को एक साथ जोड़ेंगे, बीच में हम रेक्टेंगुलर पैनल को रख रहे हैं। सेम इसी तरह दूसरे पैर का जो तीनों पैनल है उन्हें भी जोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने तीनों पैनल्स एक साथ जोड़ दिए हैं और ये है दूसरे पैर के तीन पैनल्स। बीच में हमने रेक्टेंगल पैनल रखा है और साइड में दोनों कलियाँ रखी हैं। और ये देखिए, इस तरह हमारे दोनों पैर तैयार हैं। अब हम यहाँ बीच से इन दोनों को सिल के जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने बीच में स्टिच दे दी है और दोनों पैरों को इधर से जोड़ दिया है। अब हम इस बीच वाली जगह पे प्लीट्स बनाएंगे। तो ये है हमारी बीच की स्टिच। यहाँ से मैं दो दो इंच का निशान लगा रही हूँ दोनों तरफ। तो ये जो बीच की स्टिच है, यहाँ से मैंने दो इंच का निशान लगा दिया है। अब इस दो इंच के निशान को मैं इस तरह प्लीट बनाऊंगी और यहाँ पे मैं इसे पिन कर रही हूँ। ये देखिए, हमारी एक प्लीट बन गई और ये दूसरी तरफ का भी दो इंच का जो निशान है, इसे पकड़ के मैं इस तरह प्लीट बनाऊंगी और इसे भी मैं पिन कर दूंगी। तो ये हमारे सलवार का पीछे का साइड है। तो ये देखिए, ये हमारी प्लीट तैयार है और ये सीधी तरफ से कुछ इस तरह लगेगी। अब हम यहाँ पे स्टिच दे देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ स्टिच दे दी है और हमारा प्लीट इस तरह लग रहा है। ये देखिए, बीच में स्टिच आ गई है और स्टिच के दोनों तरफ एक एक प्लीट है। ये हमारे सलवार का पिछला साइड है। अब हम बेल्ट की तैयारी करेंगे। तो मेजरमेंट कटिंग में मैंने बताया था बेल्ट का हमें जोड़ लगाना पड़ेगा कपड़े का। तो ये देखिए, ये जो कपड़े का जोड़ है, सबसे पहले हम इसे सिल लेते हैं। ये मैंने इसमें सिलाई दे दी है इस तरह और अब हमारी बेल्ट का कपड़ा तैयार है। इसे मैं सबसे पहले बीच से फोल्ड करके बिल्कुल बीचों बीच निशान लगा लूँगी। तो यहाँ ये देखिए, बेल्ट को मैंने फोल्ड कर लिया है हाफ में और बिल्कुल सेंटर पे चौक से निशान लगा दिया है। ये देखिए, ये है बेल्ट का सेंटर पार्ट। अब इस सेंटर पार्ट को हम अपनी प्लीट से मिलाएंगे। जो अभी हमने प्लीट दी थी उसका जो बीचों बीच का स्टिच था उसको और इस चौक के निशान को हम इस तरह मिलाएंगे और इसे हम यहाँ पे पिन कर दे रहे हैं। तो बेल्ट का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, वहाँ से मैं 10 इंच का निशान दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह मैंने चौक का निशान लगा दिया है 10 इंच छोड़ के कपड़ा, और इस निशान तक मैं अपने सलवार के कपड़े को स्टिच दूंगी। तो ये देखिए, ये है प्लीट वाला साइड, उसे हम सीधा आगे तक ले जाएंगे और 10 इंच के निशान तक स्टिच देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी 10 इंच का निशान दे देते हैं बेल्ट पे, और यहाँ पे भी हम ये देखिए इस तरह कपड़े में स्टिच देंगे। तो ये देखिए, इतना कपड़ा हम छोड़ देंगे। तो हम अपनी स्टिच इस 10 इंच से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लीट को सिलते हुए अगले 10 इंच के निशान तक स्टिच देंगे और ये हम इतना कपड़ा 10 इंच का छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये है मेरा एक तरफ का 10 इंच का निशान। यहाँ से मैं अपनी स्टिच शुरू कर रही हूँ और ये हम प्लीट की तरफ आ गए। अब बिल्कुल जो बीचों बीच हमने प्लीट बनाई थी, ये हमारे प्लेट्स में भी हमने दे दिया है स्टिच और अब हम दूसरे जो 10 इंच का निशान हमने दिया था वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम अपनी स्टिच को ख़त्म करेंगे। ये देखिए, हमारा बेल्ट सलवार के कपड़े से अटैच हो गया है और ये दोनों तरफ हमने 10-10 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है। अब इस बेल्ट के 10 इंच के बचे हुए इस कपड़े में हम अपनी प्लीट्स लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो सलवार का इतना सारा कपड़ा बचा है, ये हमें इस बेल्ट के 10 इंच में एडजस्ट करना है और हमें प्लीट्स देने हैं। तो ध्यान दें, जो आपकी प्लीट्स हैं वो सब इस तरफ होनी चाहिए, बेल्ट की तरफ।
बेल्ट की जो बाहरी हिस्सा है उस तरफ होनी चाहिए। सेम इस तरह इस 10 इंच के निशान में हम प्लीट्स देंगे। ये देखिए इस तरह इसे एडजस्ट करना है कि ये कपड़ा पूरा इस 10 इंच में एडजस्ट हो जाए। और इसमें भी ध्यान दें, प्लीट्स का मुंह इस तरफ होना चाहिए जिस तरफ बेल्ट का एंड है, इस तरफ। ये देखिए, ये देखिए हमने यहाँ प्लीट्स दे दी हैं। अच्छे से इसको एडजस्ट करें बराबर में और पिन कर दें, और उसके बाद अब हम इसे सिलाई देंगे। तो मैं एक तरफ से सिलाई दे रही हूँ, ये देखिए यहाँ हमने सिलाई दे दी है। दोनों तरफ हमारे प्लीट्स लग चुके हैं, ये देखिए, और ये है सेंटर का प्लीट। अब हम इसको इस तरफ से भी जोड़ेंगे। तो ये देखिए ऊपर के जो बेल्ट का हिस्सा है वहाँ से हम अपनी स्टिच को शुरू करते हुए नीचे आसन के हिस्से तक स्टिच देंगे, और ऊपर की तरफ जो बेल्ट का हिस्सा है यहाँ हम 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे, जो कि हम नाड़ा डालने के लिए जगह बनाएंगे उसके लिए। तो बस 1.5 इंच का निशान ऊपर की तरफ हमने यहाँ छोड़ दिया है, ये देखिए, और इस निशान से नीचे की तरफ मैं स्टिच दे रही हूँ आसन तक। ये देखिए मैं स्टिच दे रही हूँ, ध्यान दें आपकी प्लीट्स का, और नीचे तक क्रॉच एरिया तक हम स्टिच दे रहे हैं। ये देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हम 1.5 इंच का ऊपर गैप देते हुए चौक से निशान बना रहे हैं नाड़ा डालने के लिए। ये हम जगह तैयार करेंगे इसमें। तो ये देखिए सबसे पहले कपड़े को जो हमने स्टिच दी थी उसे हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए यहाँ से, और उसके बाद हम अपनी स्टिच को देंगे। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने शुरू किया है पहले स्टिच को, पहले ये जो बचा हुआ कपड़ा है स्टिच का इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, और फिर हम एक तरफ से स्टिच को शुरू करेंगे और दूसरी तरफ पलट के जाएंगे, और फिर हम दूसरी तरफ के कपड़े को भी डबल स्टिच देके ख़त्म करेंगे। ये देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है, और अब हम इस 1.5 इंच का जो हमने कपड़ा छोड़ा है नाड़े के लिए उसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए पहले एक फोल्ड लें छोटा, और फिर जो 1.5 इंच की लाइन दी है आपने वहाँ तक फोल्ड दें, और अब हम साइड साइड में सिलाई दे देंगे पूरी बेल्ट पे। तो ये देखिए सबसे पहले हम एक तरफ से शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल साइड साइड में हमें सिलाई देनी है, नाड़ा डालने के लिए अच्छे से जगह बननी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर्स पे हमें सिलाई देना है। और ये देखिए अब हम दूसरी तरफ अपनी सिलाई को ख़त्म कर रहे हैं। ये देखिए हमारा नाड़ा डालने के लिए जगह बन चुका है, यहाँ से हम नाड़ा डाल देंगे। पूरी बेल्ट हमारी तैयार है इस तरह। अब हम नीचे के हिस्से को पूरा करेंगे, तो हम सबसे पहले पांचे पूरे कर लेते हैं। तो पांचे लगाने के लिए सबसे पहले ये जो नीचे का हिस्सा है जहाँ हम पांचे लगाते हैं इसे हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए मेरा आ रहा है 16 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 17 इंच का बकरम काटूंगी। तो ये देखिए मैंने 17 इंच का बकरम काटा है, और इसकी लंबाई होगी 1 इंच, आप 1 इंच ले सकते हैं। और इस बचे हुए कपड़े से हम अपना कपड़ा काटेंगे पांचे के लिए। तो मेजरमेंट कटिंग के वीडियो मैंने आपको दिखाया था किस तरह ये थोड़ा सा कपड़ा आपका बचेगा, तो हम इसे इस तरह यहाँ से बीच से जोड़ेंगे, और फिर हम 1/4 इंच कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, जैसे कि 1 इंच की चौड़ाई थी तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा लिया है, और लंबाई मैंने 17 इंच था, तो आप 17.5 ले सकते हैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये देखिए इस तरह हम बीचों बीच कपड़े के अपने बकरम को रखेंगे, और ऊपर की तरफ 1/4 इंच का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे। ये बाकी बचा जो हिस्सा है इसे मैं काट देती हूँ। ये देखिए इस तरह ये जो 1/4 इंच का ऊपर कपड़ा है इसे हम फोल्ड देके सिल लेंगे, और बाकी का जो नीचे का 1/4 इंच कपड़ा है इसे हम सलवार से जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने इसे फोल्ड किया है, एकदम अच्छे से टाइटली फोल्ड करें इसे बकरम के ऊपर।
जरा सा भी झोल नहीं आना चाहिए, बहुत ही क्लीन स्टिच आनी चाहिए। बस इस तरह इसे फोल्ड करें और साइड साइड में स्टिच दें, बिल्कुल साइड में स्टिच दें। ये देखिए ये स्टिच लग चुकी है। अब ये जो बाकी का बचा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम सलवार पे लगाएंगे। तो ये है सलवार का सीधा साइड, हमें सीधे साइड पे लगाना है, और बकरम का भी सीधा तरफ, दोनों को मिलाते हुए इस तरह रखें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जमा के रखें और फिर यहाँ साइड में हम सिलाई देंगे। तो ये जो बचा हुआ क्वार्टर इंच का कपड़ा है बस हमें उसके ऊपर सिलाई देने हैं। ध्यान दें आपकी सिलाई बकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर रहनी चाहिए सलवार के। ये हमारी स्टिच लग चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे पलट के पीछे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि सलवार की उल्टी तरफ हमने इसे इस तरह अच्छे से मोड़ देना है स्टिच तक। जहाँ पे हमने स्टिच दी है उसे अच्छे से इस तरह प्रेस कर लें, ये देखिए। और अब इस लाइन पे कॉर्नर कॉर्नर पे हमें स्टिच देनी है और दूसरी हमें इस तरफ देनी है, और बीच में हम कुछ कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे फोल्ड करके बिल्कुल एजेस पे साइड पे स्टिच दे रही हूँ। ये देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है। अब दूसरी तरफ, पाचे के दूसरी तरफ मैं स्टिच दे रही हूँ, जिससे कि हमारा पाचा अब सलवार से जुड़ चुका है। अब ये बीच में जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें मैंने जिगजैग डिज़ाइन बना दिया है। तो ये देखिए हमारा पाचा तैयार है। साइड में ये बचे हुए कपड़े आप इस तरह कट कर सकते हैं, और अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और सलवार की ओपनिंग मार्क करेंगे। तो आपको कितना खुला सलवार चाहिए आप यहाँ पे नाप लगा लें, जैसे कि मैं 7 इंच लगा रही हूँ। 7 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है, आप भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ऊपर की तरफ हम इस स्टिच को 1-1 इंच का या आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम निशान लगा देंगे दूसरे पैर तक। ये देखिए मैंने पूरा दूसरे पैर तक 1-1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा दिया है, और दूसरे पैर में भी अगेन मैंने 7 इंच नापा है और निशान लगा दिया है और इस तरह जोड़ दिया है। अब हम अपनी स्टिच को एक पैर से दूसरे पैर तक देंगे। तो ये देखिए पहले मैं 1-5 से अपना स्टिच शुरू कर रही हूँ, और अब मैं इसे पूरा ऊपर तक ले जा रही हूँ। ये देखिए हम बीच में पहुँच चुके हैं आसन की तरफ। अब ये आसन को हमने पार करते हुए दूसरे पैर की तरफ आ गए हैं। तो निशान लगाने से आपका काम आसान हो जाता है, आपको आइडिया रहता है आप कहाँ स्टिच दे रहे हैं। ये देखिए दूसरे पांचे की तरफ हमने अपना स्टिच पूरा कर लिया है। तो ये देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है, दोनों पैर तैयार हैं। अब हम सलवार को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधी तरफ से मेरा सलवार कुछ इस तरह लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्लीट्स बन के आई हैं, काफ़ी हैवी पटियाला बना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्लीट्स बन के आए हैं यहाँ पे, और ब्यूटीफुल पटियाला सलवार बन के तैयार है जस्ट 2.5 मीटर फैब्रिक में। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपका सलवार कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।